हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं कनेक्टिव टिश्यू के। पहले हमने कल जो टाइप किया था वो बता देता हूं। कल हमने बात की थी एरोलर टिश्यूज की, व्हाइट फाइबरस टिश्यूज की। व्हाइट फाइबरस टिश्यूज में दो प्रकार के आते हैं, टेंडन और आपका शीथ। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के थ्री रिमेनिंग टाइप्स। कौन कौन से रिमेनिंग रह गए थे? एक तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा एडिपोज टिश्यू, थर्ड वन इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए देखिए, पहली बात करेंगे। सबसे पहला हम ले रहे हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनका दूसरा नाम लीगामेंट भी होता है, लीगामेंट, ठीक है। ये इनका अनदर नेम है लीगामेंट, या फिर आप येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आप सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर वाइट फाइबर भी है, मैट्रिक्स तो सब में होता है, और हिस्टोसाइट नाम के सेल भी है, और मस्ट सेल भी है, और फिब्रोसाइट सेल्स भी है, और येलो फाइबर भी है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ये जो टिश्यूज होते हैं इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज, इनके अंदर तीन तरह की चीजें मिलने वाली है। कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है? एक तो आपका मैट्रिक्स, दूसरा आपका सेल, और तीसरा आपका फाइबर। आप देखो ये सारी चीजें मौजूद है इसके पास, ठीक है। अब देखिए व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, इट इज ए मॉडिफाइड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स इज विद न्यूमरस एंड क्लोजली पैक्ड थिक येलो और इलास्टिन फाइबर्स। यानी कि जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? वो थोड़ा थिक है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये जो हमने हमने बात की थी कि भाई जो ये जो हम बात कर रहे हैं यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज की, तो इसके अंदर जो हमने आपको बता चुका हूं पहले कि तीन प्रकार के एलिमेंट मिलने वाले हैं, तो इनका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? वो थोड़ा थिक है और क्लोज है, ठीक है, यानी कि डेंस भी है। और जो फाइबर है वो कौन से मिल रहे हैं? फाइबर मेनली येलो फाइबर है। वैसे तो इनमें व्हाइट फाइबर भी है, बट व्हाइट फाइबर थोड़े कम है। बाकी मेन जो ब्रांच है, ये जो ब्रांचेस हमने दिखाई है यहां पर, ठीक है, ये येलो फाइबर्स की, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इनकी पोजीशन कहां पर है येलो फाइबर्स की, इनकी येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज की पोजीशन कहां है? इनकी पोजीशन है, इट फॉर्म्स शीट्स इन लिगामेंट्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब आपको लिगामेंट भी मिल जाएंगे। लिगामेंट कहां होते हैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये जो लॉन्ग बोन्स होती है, ये बोन हो गया आपकी, तो बोन में जो अपर बोन और लोअर बोन जो आप दो देख रहे हैं यहां पर, इन बोन्स में बीच में जॉइंट है, ठीक है। अब इस जॉइंट को आपस में कनेक्ट भी करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए यहां पर मौजूद होते हैं लिगामेंट्स, ये लिगामेंट होते हैं यहां पर जुड़े हुए, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाती है। जैसे आपको यहां मिल जाएगा, नी में मिल जाएगा, नी में, ठीक है, आपको यहां पर लिगामेंट मिलेंगे, ठीक है। ये लिगामेंट यहां पर मौजूद होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये मदद करेंगे आपको आगे मूवमेंट करवाने में। इन केस अगर आपका लिगामेंट टूट जाते हैं तो आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते फिर, ठीक है, ये बात हो जाती है। अगर लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, लिगामेंट टूट जाते हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, टांग ढंग से चलेगी नहीं, क्योंकि जो आपका राइट लेग होगी वो आपकी तेज चल रही होगी, और जो लेफ्ट लेग होगी वो आपका स्लो चल रही होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, एक तो आपका लिगामेंट्स में मिलेंगे, लिगामेंट्स हैं ये, तो आपको मैंने वो बता दिया कि बोन्स को ज्वाइंट करने के लिए लिगामेंट्स यहां पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा कहां मिलेंगे? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी वॉल में। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इसका मतलब वहां भी मिलने वाले हैं। अच्छा, लंग्स एंड ब्रोंकियल्स, ठीक है। अच्छा, यानी फेफड़े और फेफड़ों के अंदर की जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, उनके अंदर मिलने वाले हैं।
ठीक है। अब लिगामेंट्स के बारे में बताता है कि लिगामेंट्स जॉइन बोन्स एट द जॉइंट। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, क्लियर कर दिया था कि लिगामेंट्स ठीक है जॉइन बोन्स ठीक है, अच्छा इनको बोन्स को ज्वाइन करता है। अच्छा इट ऑल्सो हेल्प इन रिकवरी ऑफ ब्लड वेसल्स लंग्स एक्सेट्रा, यानी कि ये रिकवरी ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की रिकवरी करने में भी मदद करेगी। अच्छा और इसके अलावा लंग्स और लंग्स वगैरह में मौजूद होते हैं, तो ये इनकी पोजीशन है कहां कहां मौजूद है। तो आपने देख लिया लंग्स में लिगामेंट्स बोन्स को ज्वाइन करने के लिए, इसके अलावा ब्लड वेसल्स में, ये इनकी मेन पोजीशन है। उसके बाद आगे चलते हैं एडिपोज टिश्यूज, इनको फैट टिश्यूज भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यूज को फैट टिश्यूज भी बोलते हैं, ये भी मॉडिफाइड रूप ही होते हैं एल्वियोलर टिश्यू का। तो एडिपोज टिश्यूज मॉडिफाइड रूप है एल्वियोलर टिश्यू का, ये भी मॉडिफाइड रूप है एल्वियोलर टिश्यूज। अच्छा उसके बाद आगे मैट्रिक्स इज पैक्ड विद लार्ज स्फेरिकल फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं बड़े बड़े फैट सेल्स, ठीक है। अच्छा ये वाला मैं यहां पे नाम देना भूल गया, ये वाला जो नाम है ये एडिपोसाइट्स का है, यानी फैट सेल्स का। ठीक है इसका मतलब ये होगा कि एडिपोज टिश्यूज में मौजूद रहेंगे फैट सेल्स, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया इनको फैट टिश्यूज भी बोल देते हैं। और उसके अलावा इनकी पोजीशन कहां रहेगी, इट इज फाउंड बिनथ द स्किन, ठीक है। अच्छा यानी कि इस त्वचा के नीचे वाले हिस्से में, स्किन के नीचे की तरफ, ठीक है, वहां पर ये मौजूद रहेंगे। अराउंड सर्टन ऑर्गन्स लाइक किडनी आईज हार्ट एटसेट्रा, इसके अलावा कुछ अन्य ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में भी ये मौजूद रहने वाले, उनके चारों तरफ मौजूद रहने वाले। इनकी वजह से क्या हो रहेगा, ये क्या करेंगे, ये उनको इंजरी से बचाएंगे, ठीक है। अच्छा आपके जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये कुशन प्रोवाइड कराते हैं, कुशन, कुशन का मतलब होता है एक प्रकार का गद्देदार चीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा शॉक से बचाते हैं, शॉक लगने से, झटका लगने से बचाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है आप इसकी वजह से आप इंजरी से बच जाते हैं, तो ये इनका मेन फंक्शन रहता है। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, इनको शॉक एब्जॉर्बर भी बोल देते हैं, इनका अनदर नेम है शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि ये शॉक को बचा लेंगे, झटका लगने से बचा लेंगे, ठीक है। अच्छा और दूसरे नंबर पे ये आपके लिए बुरे वक्त में, ठीक है, आपको एनर्जी भी देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या स्टोर है, फैट स्टोर है। तो जब जब शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है, यानी कि आप बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, तो यही फैट, ठीक है, रिएक्शंस करके कन्वर्ट करेगी अपने आप को ग्लूकोज में, ठीक है, और फिर वो शरीर में चला जाएगा वापस दोबारा से, तो ये फैट आपको दोबारा यूज में आ जाती है, तो ये आपके काम भी आएगा, ठीक है, ये फूड को भी स्टोर कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि इसने फैट स्टोर कर लिया। अच्छा उसके बाद थर्ड वन है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफाइड रूप है। मैट्रिक्स इज फ्लूडी इन नेचर, यहां पर मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा सा फ्लूडी है, ठीक है। अच्छा और जबकि इनके केस में थोड़ा सा डेंस था, ठीक है, थिक था और डेंस था, इसके केस में कैसा है, फ्लूडी है। उसके बाद है मैट्रिक्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ठीक रेटिकुलर सेल्स, मैट्रिक्स के अंदर बड़ी मात्रा में रेटिकुलर सेल्स है, ये जो हमने लाइंस दिखा रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये रेटिकुलर सेल्स की है, ये पूरा रेटिकुलर सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये डार्क लाइंस, ये जो लाइन आ रही है, ये है एक्चुअली में क्या, ये आपका रेटिकुलर फाइबर है, ठीक। अब जो रेटिकुलर सेल्स है उनके अंदर मौजूद है न्यूक्लियस भी, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि रेटिकुलर सेल, जब नाप एक सेल है तो सेल के पास क्या हुआ, सेल के अंदर कंटेंट भी है, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होगा, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म भी है, और ओवरऑल टिश्यू जो है उसमें क्या मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है, तो मैट्रिक्स तो होता ही है, और मैट्रिक्स कैसा है, इसका फ्लूडी मैट्रिक्स है।
अब इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो इसकी पोजीशन मिलेगी स्प्लीन में, थाइमस में, टॉन्सिल में, लिम्फ नोड्स में, लीवर में, बोन मैरो में, ये इनकी पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, और इनका फंक्शन क्या रहता है? द रेटिकुलर सेल्स एक्ट एज फेगोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये फेगोसाइट वाली टर्म, अब हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, इस समय पीरियड लग चुका है, तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे, फेगोसाइट टर्म को कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।